व्हाट इज एल्बम सेंस प्लस प्लस बंडल? एल्बम सेंस प्लस प्लस बंडल क्या है, आइए देखते हैं इसका पूरा डेमो। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही आप नया एल्बम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइल मेनू में जाके न्यू एल्बम पे क्लिक कीजिए। यहां पे हम एक कपल का नाम लिखेंगे, टेम्पररी हम यहां पे एक डेमो एल्बम बना रहे हैं। डेमो एल्बम सिलेक्ट किया, थीम में हमें डिफॉल्ट थीम रखना है। एल्बम ऑप्शन में जाके जिस साइज का एल्बम हम बनाना चाहते हैं उस साइज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी ने करीब सॉफ्टवेयर के साथ 37 साइजेस दी हुई है, जो भी साइज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। सेव पाथ में जाके जहां भी आपको अपना एल्बम सेव करना है उसका पाथ दे दीजिए, ये हमने डी ड्राइव का पाथ दे दिया है। फोटो फोल्डर में जाके ओरिजिनल फोटोग्राफ आपके कौन से फोल्डर में पड़े हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पे हमारे पास डेमो फोटोज के अंदर वेडिंग नाम का फोल्डर है, इसको हमने ओके कर दिया। जैसे ही हम ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने जो फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है वो पूरा का पूरा फोल्डर हमारा यहाँ पे फोटोज के ऑप्शन में आ जाएगा। ये देखिए हम स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। अब जनरली क्या होता है कि हम कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो हम या तो ब्लैंक पेज ओपन करते हैं या कोई रेडीमेड पीएसडी ओपन करते हैं। यहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम जस्ट कुछ फोटो को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने 6 फोटो सिलेक्ट किए, एक और फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोटोज के अंदर यहाँ पे 7 फोटो का सिलेक्शन आ गया है। फोटो सिलेक्ट करके जस्ट ऑटो पेज के बटन को क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इन जस्ट द 15 सेकंड के अंदर आपको एक फर्स्ट क्लास डिजाइन बना के दे देगा। ये आपका डिजाइन बनना शुरू हो गया है, ये आपका डिजाइन रेडी हो गया। अब अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आता है तो आप फिर से ऑटो पेज के बटन को क्लिक कर दीजिए। विदिन 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के अंदर सॉफ्टवेयर आपको फिर से एक नया डिजाइन बना के दे देगा। ना आपको कोई पीएसडी सिलेक्ट करनी है, ना कोई ब्लैंक डिजाइन बनाना है, ना मैन्युअली फोटो को अटैच करना है, जस्ट फोटो सिलेक्ट करके ऑटो पेज के बटन को क्लिक करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी ने सॉफ्टवेयर के साथ 37 साइज दी हुई है और हर साइज के अंदर कंपनी आपको दे रही है 1,00,000 वेरिएशंस। इस पेज को हम सेव कर लेते हैं, डेमो 1। ये हमारा फोटो सेव हो गया। अब आप सोचिए कि ये फोटो सेव हो रहा है तो कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? ये फॉर्मेट है जेपीजी और पीएसडी। आपका बनाया हुआ एल्बम पेज पीएसडी और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ये देखिए आपने जो सिलेक्ट किए हुए फोटो थे जिसमें से आपका एल्बम पेज बना उसके ऊपर ग्रीन बॉर्डर आ गई, जिससे आपको पता चलेगा कि इतने फोटो मेरे यूज हो चुके हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। ये हमने यहां पे 5 फोटो सिलेक्ट किए, ये 6, ये 7, ये 8। अब हम ऑटो पेज की मदद से नहीं बनाना चाहते तो उसके बिल्कुल बाजू में टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो 8 फोटोग्राफ सिलेक्ट किए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8 फोटो के ही टेम्पलेट दिखाई देंगे। जो टेम्पलेट आपको पसंद आए उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो यही आपके सिलेक्ट किए हुए फोटोग्राफ की मदद से, आपका टेम्पलेट की मदद से पूरा का पूरा एल्बम पेज डिजाइन हो जाएगा। ये आपका एल्बम पेज बन गया है। अब अगर आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ कंपोजिशन करना चाहते हैं, ये हमने फोटो को कंपोज करना है, ये फोटो सिलेक्ट किया, इसको हम यहां से अनलॉक करेंगे। फोटो सिलेक्ट करके आप आसानी से यहां से इसको कंपोज कर सकते हैं। ये आपका कंपोजिशन हो गया है। इसको माइनर चेंजेस करना है तो आप इसको लेफ्ट राइट मूव जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। ये आपका कंपोजिशन हो गया। इसके अलावा अगर किसी फोटो के ऊपर आपको कोई स्पेशल डिजाइनिंग वगैरह करनी है या मास्क रखना है, इसके ऊपर हम एक डिजाइन या फ्रेम चेंज करना चाहते हैं। ये फोटो सिलेक्ट किया, हम फोटो डिजाइनर में चले गए, हमें समझो ये डिजाइन पसंद आती है। तो फोटो डिजाइनर में करीब 5 कैटेगरी दी हुई है, आर्टिस्टिक, फेदर, ओवल, कॉर्नर और सिंपल।
अगर हम कोई सिंपल फ्रेम इसके ऊपर रखना चाहते हैं, हम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और ओके के बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए सिंपल फ्रेम आ गया है। तो इस तरह से आप एल्बम पेज बनने के बाद उसको एडिट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इस फोटो में कोई आपको स्पेशल कलर टोन देना है, यहां पे हम ऑल करेक्शन में चले गए, तो इसके अंदर पूरे कलर टोन्स दिए हुए हैं। जो भी कलर टोन आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए। ये आपके फोटो के ऊपर कलर टोन अप्लाई हो गया है। अब तीसरे फोटो को देख लेते हैं। इसमें अगर हमें कोई मास्क लगाना है, हम मास्क गैलरी में चले गए, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मास्क दिए हुए हैं। डिफॉल्ट मास्क में आपके फेवरेट मास्क दिखाई देंगे, फ्रेम मास्क, डिजाइनर मास्क, फेदर मास्क, हाईलाइट मास्क, बैकग्राउंड मास्क। ये हम यहाँ पे एक मास्क अप्लाई करते हैं। ये डबल क्लिक किया, ये आपका मास्क अप्लाई हो गया है। अब हमें समझो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हम यहाँ बैकग्राउंड के पैलेट में चले जाते हैं। बैकग्राउंड के पैलेट में बैकग्राउंड को जाके जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। डबल क्लिक चेंज, डबल क्लिक चेंज। अब बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। ये कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आप अपनी खुद की कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं तो फोल्डर में जाके अपना खुद का फोल्डर बना के उसके अंदर भी आपके बैकग्राउंड डाल सकते हैं। हमें लाइट बैकग्राउंड चाहिए, हमने लाइट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। ये सारे लाइट बैकग्राउंड आ गए हैं। अब इसके अंदर अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मास्क में जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड मास्क में चले जाते हैं। आप बैकग्राउंड को भी मास्क लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड मॉडिफाई हो चुका है, बिल्कुल ही अलग तरह का बैकग्राउंड आपके सामने आ गया है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब इस तरह से आप एक एक पेज तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको और भी ऑटोमेशन की ताकत देखनी है, ऑटोमेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या हो सकती है, आप बैच में चले जाइए। बैच के अंदर हमारा वही सेम फोल्डर ओपन हो गया है। अब जितने फोटो हमारे यूज हो चुके हैं उनके ऊपर ग्रीन बॉर्डर है। अब उससे आगे हम चलते हैं। ये हमने फोटो सिलेक्ट किए, पांच फोटो हमने सिलेक्ट किए, ये छह किए। यहां पे क्विक क्रिएट का बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम क्विक क्रिएट करेंगे यहां पे रो एल्बम पेज एक बन गया। इसके बाद हम सात फोटो सिलेक्ट कर रहे हैं, क्विक क्रिएट किया, ये हमने आठ फोटो सिलेक्ट किए, क्विक क्रिएट किया। ये देखिए हमारे रो एल्बम पेज तीन बन चुके हैं। अब हम जैसे ही रेंडर के पेज को क्लिक करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए हुए फोटो की मदद से उसका इंडिविजुअल एक एक पेज ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा, और ये भी आपको पीएसडी और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में सेव होके मिलेगा। ये हमारा बैच प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहां पे जाके हम देख लेते हैं एल्बम पेजेस में कितने पेज बने हैं। ओके, हमारे ये सारे के सारे पेज रेडी हैं। अब इसमें भी अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको चेंज करना है, तो इस फोटो को हमने डबल क्लिक किया, अब हमें समझो इसका डिजाइन पसंद नहीं है तो आप इसके बैच के बाजू में एक चेंज पेज करके ऑप्शन दिया हुआ है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फोटोग्राफ सेम रहेंगे लेकिन आपका डिजाइन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। वन जीरो थ्री।